विश्वकर्मा पूजा की पूजा पूरे शहर भर में किया जा रहा है और इसी क्रम में बिरसा नगर में आए शिवम कंस्ट्रक्शन, जो शिवम के नाम से बहुत सा इनका कंपनी है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। थैंक यू। सत्रह सितंबर को ही मनाया जाता है और हमारा पौराणिक आख्यान में विश्वकर्मा जी की जो प्रसिद्धि है, वास्तुशिल्प के प्रवर्तक माने जाते हैं और प्राचीन काल की या पौराणिक काल की जो भी कृतियाँ बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, कहा जाता है कि सब भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। तो उसी परंपरा को निभाते हुए सनातन संस्कृति में विश्वकर्मा भगवान की आज पूजा की जाती है। अब ये सनातन संस्कृति की विशेषता हमेशा हमेशा के लिए अक्षुण रहे, इसका प्रयास समाज को भी और सरकार को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिस तरह से दुनिया की कई संस्कृतियां बदल गई, वैसे ही हमारी सनातन संस्कृति पर भी कोई आँच आ जाए। तो आज के दिन यही संकल्प लेने की ज़रूरत है कि वास्तुशिल्प के जो देवता हैं, माने जाते हैं भगवान विश्वकर्मा, उनकी याद हमेशा से ही हमारी सनातन संस्कृति के धरोहर के रूप में विद्यमान रहे और ये प्रथा परंपरा मजबूत हो, ये प्रयास सरकार भी करे और समाज भी करे। सबसे तो पहले हमारा सबके नमस्कार है, मैं वीरेंद्र सिंह। शिवम कंस्ट्रक्शन हमारा एक बिल्डिंग कारोबार का काम करते हैं और दूसरी है कि हमारा एक शिवम सिक्योरिटी एजेंसी है, जिससे हमारे उसमें काफ़ी गार्ड लोग हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल में या फ्लैट वगैरह में। और हमारे चाचा जो शुरू से हमारे गार्जियन रह चुके हैं, हर पर्व में हर त्यौहार में इनको हम अपने के आमंत्रित करते हैं और आते भी हैं, जमशेदपुर में रहते हैं तो ही आते हैं, तो इनका हम शुक्रगुजार शुरू से रहे हैं। और बस यही छोटा मोटा हमारा जो काम है चल रहा है हर साल के भांति, इस बार भी हम लोग विश्वकर्मा पूजा बड़ी धूमधाम से हमारा शिवम परिवार मिलकर हम लोग करते हैं। हर साल हम लोग गुइयाडी और भालूबासा में करते थे, इस बार हमने यहाँ पर नया ऑफिस खोले बिरसा नगर जोन नंबर एक में। तो चाचा को भी मैं बोला कि चाचा आपको यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है और हमारा सौभाग्य है, हम इनका सहज दिल से शुक्र गुजार हैं कि मतलब हमारे यहाँ यह है। जी शिवम कंस्ट्रक्शन हमारा 2013 से चालू किए, अभी कोई नया प्रोजेक्ट जी हमारा दो तीन प्रोजेक्ट है, भुइयाडी में हमारा चल रहा है और आपका एक बिरसा नगर जोन नंबर तीन में चल रहा है, दूसरा हमारा मानगो में चल रहा है, ऐसा चार पाँच प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। 10% बुकिंग चार्ज हमारा है, उसमें डिस्काउंट है 10% हम लोग डाले हैं, नेट पे भी खोल के आप देखेंगे तो उस पर है हमारा डाला हुआ है, शिवम कंस्ट्रक्शन के तरफ से 10% उनको ऑफर दिया गया है। ये हमारा बिल्डिंग बना हुआ कंप्लीट बिल्डिंग में, जो हमारा बिल्डिंग बन के बिल्कुल तैयार है, लोग आ भी रहे हैं और काफ़ी संख्या में हम यहाँ पे भोग का व्यवस्था करते हैं, जहाँ पे 2,000-2,500 लोग श्रद्धालु लोग आते हैं, भोग बढ़िया से खाते, प्रसाद करते, प्रसाद खाते उनके बाद हम लोग विसर्जन करते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहता है आप लोग के सहयोग से। शहरवासियों से भी कहना चाहते हैं कि जहाँ भी रहें अपना हिंदुस्तव जो है उसको जिंदा रखें और हमारा जो कल्चर हमारा हिंदू लोग का, हिंदू का कल्चर जो बना हुआ है वो हमारा बरकरार रहे, सनातन जो है उसको धर्म को लेकर हमेशा चले। और चाचा से वो चीज़ को हम लोग सीखते हैं कि एक सनातन के लेकर शुरू से लड़े हैं और हम लोग यही चाहते कि हमारे समाज, हमारे पूरे चंद्रवंशी समाज लोग जो हैं यहाँ पे जो भी लोग आए हुए हैं वो हमेशा इसके लेके वो खड़े रहते हैं। और हम लोग ये पूजा के हमेशा शिवम परिवार के तरफ से धूमधाम से मनाए हैं, इस बार भी मनाए हैं और